पर रखा। वही अन्नदाता किसान भाइयों को अतिरिक्त राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में 1,000 रुपये प्रतिमा की सहायता दी गई। इस प्रकार लगभग 20,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय कर 15,78,000 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं को और आगे जारी रखने के साथ ही अब मैं आगामी वर्ष से 2,000 यूनिट प्रतिमा का उपयोग करने वाले समय 11,00,000 अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। खेती के लिए पर्याप्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना वाली प्राथमिकता है। किसान भाइयों के हितों को ध्यान रखते हुए आगामी 20 फरवरी 2022 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शनों को 2 वर्ष में जारी करने की घोषणा की थी। बकाया विद्युत कनेक्शनों के साथ ही नए प्रार्थना पत्रों को शामिल करते हुए इस वर्ष 23 मार्च तक लगभग 1,15,000 विद्युत कनेक्शन दे दिए जाएंगे। आगामी वर्ष 1,50,000 उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना प्रस्तावित है। कृषि ऋण अध्यक्ष महोदय, किसान साथियों विशेषकर लघु सीमांत कृषक लैंडलेस लेबरर तथा विगत सेक्शन के किसानों को परिस्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही इनके परेशानी का सामना करने पर स्थायी समाधान के रूप में ऋण भार में राहत देने, ऐसी स्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर डेब्ट रिलीफ एक्ट लाए जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत रिटायर हाईकोर्ट जज को डेब्ट रिलीफ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा शुरू की गई ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 2022-23 वर्ष केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए गए। 23-24 में इसे बढ़ाकर 22,000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत 5,00,000 नए कृषक भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। ये तो 1,000 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिया गया होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में नॉन फार्मिंग सेक्टर जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई, दुकान इत्यादि हेतु 1,50,000 किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण वितरित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 150 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान मिलेगा। प्रदेश के सहकारी बैंकों